आज हम कढ़ाई करे हुए सूट का गला बनाते हैं। इस पे गला ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन ऊपर से कटा हुआ नहीं है। इसको हम क्या करेंगे कि एक इसमें हम 10x10 का हमने चौकोर पीस ले लिया है। इस तरीके से ये हमने 10x10 का लिया है। इसको हम कुर्ते के सीधी साइड रख लेंगे। पहले हमने कुर्ता काट लिया है, ये कटा हुआ कुर्ता ले लिया है। इसके सीधी साइड हमें रखना है और साइडों से लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए इसके गले की चौड़ाई जो बनी हुई है वो 7 इंच है। और इस तरीके से हम कपड़ा रख लेंगे उसके ऊपर। ये देखिए ये नेक से लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है हमने। जो लाइन नेक लाइन बनी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, या तो ऊपर से सिलाई लगा लेंगे या फिर इस तरीके से पिनअप कर लेंगे। तो हम पिनअप कर लेते हैं। ये देखिए इसलिए पिनअप कर लिया है ताकि कपड़ा इस पर अटैच हो जाए अच्छे से। अब ऐसे ही हम यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है पास पास, इसलिए एक हम नीचे की तरफ भी पिन लगा लेते हैं। इससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ कपड़ा अच्छे से चिपक जाएगा। यहाँ पे हम लगा लेंगे बिल्कुल। ये हमने पिन लगा ली है। अब हमें इसको उल्टा कर लेना है कपड़े को। अब उल्टी साइड में, क्योंकि कढ़ाई बहुत अच्छे से दिख रही है इसलिए उल्टी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए नेक की चौड़ाई 7 इंच है, क्योंकि ये गहराई इसकी कम है तो हम 7 इंच चौड़ाई ले लेंगे। अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं। तो ये उल्टी साइड से हमने कपड़े को रख लिया है और बिल्कुल ऊपर से, थोड़ा सा हिस्सा प्लेन है इसका लेकिन हम सिलाई ऊपर से ही लगाएंगे और बिल्कुल किनारे किनारे कढ़ाई के इस तरीके से देखिए सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे किनारे ऐसे लगाना है। आप यहाँ तक नोक है तो यहाँ पर रोक के अच्छे से शेप देनी है इसको। यहाँ पे जो नोक है उसका भी ध्यान रखना है, शार्प बने। इसको हम अब घुमा के कपड़ा फिर से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और आराम से सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई ख़राब ना हो। ये देखिए पूरा हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है इसमें। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए आगे की साइड से और ये देखिए पीछे की साइड से, इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। ये अब हम क्या करेंगे, ये पिने निकाल देते हैं। जितनी पिने लगाई थी हमने निकाल देते हैं। अब इसमें हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए कपड़ा अंदर की तरफ से गला काट लेते हैं। ये देखिए हमने 1/2 इंच का लगभग मार्जिन दे दिया है और हमने गले को काट लिया है इस तरीके से। क्योंकि बुकरम नहीं लगाई है इसलिए 1/2 इंच का मार्जिन दिया है, नहीं तो और भी कम दे सकते हैं। अब हम इसमें कट लगा लेते हैं। ये देखिए कट बिल्कुल सिलाई के पास तक लगाना है। बस ये ध्यान रखना है कि कहीं सिलाई ना कट जाए, क्योंकि इसमें बुकरम नहीं है इसलिए बहुत सावधानी से कट लगाना है। ये देखिए कॉर्नर पे जहाँ भी ये तीनों नोके हैं वहाँ भी कट अच्छे से लगाना है। यहाँ पे भी बहुत संभालते हुए। अब ये हमने पूरे गले पे कट लगा लिए हैं। ये देखिए ये ताकि इससे गला अच्छे से सीधा हो जाएगा। पूरे पे लग गए हैं। ये देखिए नोक, बहुत सावधानी से इसमें कट लगाना है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो नोक हैं इन दोनों नोकों को हम कैंची की सहायता से थोड़ा सा इस तरीके से नोक बाहर को निकाल लेंगे दोनों तरफ से। ये अच्छे से इसको, ज़्यादा तेज नहीं ताकि कहीं कपड़ा फट जाए। और अब इसको पलट देंगे पीछे की तरफ। ये पलट दिया है हमने। ये देखिए कपड़ा पलटने के बाद गला हमारा बिल्कुल सफाई से तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गला तैयार हो गया है। इस तरीके से आप गले को आराम से तैयार कर सकते हैं जिन सूटों पर गला ड्रॉप हुआ होता है। ये देखिए पीछे से। अब क्या करेंगे हम, इसमें यहाँ पे एक टॉप सिलाई लगा लेते हैं जिससे ये कपड़ा बिल्कुल अंदर पीछे की तरफ अच्छे से अटैच हो जाएगा। बिल्कुल ये देखिए कोने से बिल्कुल ही, ये देखिए बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है। पूरे गले पे इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे नोक को ध्यान देते हुए। नोक को हमें शार्प ही रखना है। अब ये देखिए आगे पूरे गले में लगा लेते हैं।
यहाँ पे लाने के बाद कपड़े को घुमा लेंगे इस तरीके से। अब फिर से गला साइड से बिल्कुल सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, इससे बहुत अच्छे से गले में फिनिशिंग आ जाती है ये सिलाई लगाने से। ये देखिए, ये हमने वाला गला पूरा सिलाई लग गई है। ये देखिए बिल्कुल पीछे से ये, अब हमारा गला बस तैयार हो गया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। लेकिन अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें काट देना है। तो इसको हम लगभग 1.5-1.5 इंच का अंतर रखते हुए कपड़े में साइडों से काट लेंगे। 1.5 इंच का ऐसे हम इस तरीके से, ऊपर 1.5 इंच तो है ही, नीचे की तरफ भी हम 1.5-1.5 इंच इस तरीके से काट लेंगे। और काटने के बाद ये आराम से काटेंगे ये। इसको काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ के यहाँ पे या तो तुरपन कर लेंगे या सिलाई लगा लेंगे। इसे तुरपन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, अब हमारा गला पीछे से हमने काट दिया है एक्स्ट्रा कपड़ा और बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सुंदर गला हमारा बन गया है। इसी तरीके से आप जिन सूटों में गला कढ़ाई से बना हुआ होता है उसमें आराम से बिना बुकरम के गला बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है और बहुत ही सफाई से ये गला बन भी जाता है। चौड़ाई का बस ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि हमें कितना चौड़ा गला रखना है। बाकी हर गले को हम इसी तरीके से आराम से बना सकते हैं।